हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? वहाँ पे बहुत जोर सी बकरी बारिश आ रही है अभी, बहुत तेज वाली। अभी बारिश की जो शुरुआत है, अभी बारिश स्टार्ट हुई है, क्योंकि सुबह से मौसम बिल्कुल काला काला सा हो रहा था बारिश का। तो मैं तो कपड़े इतने सारे धोई थी, मैं छत पर डालकर भी आई कपड़े, लेकिन अभी वापस लेकर आ गई हूँ और इन सबको मैं घर में ही डालूंगी, क्योंकि धुलाया तब तो डालना ही पड़ेगा ना, सूखेगा कैसे कपड़ा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो गई यार। मैंने सोचा था मैं कल इतनी अच्छी वाली धूप थी, एकदम कड़ी धूप, तो क्या कल मैंने नहीं धुला, मैंने सोचा आज धो लूँ, धो लेती हूँ ना, आज कौन सी बारिश आएगी। और सच में आज तो ये बारिश ने दिमाग खराब मेरा कर दिया। एक्चुअली ये कल के कपड़े हैं, कल मैंने नहीं धोए थे कपड़े, तो मैंने आज धोया, और आज धोया तो उसकी मुझे ये सजा मिली। भगवान जी, बारिश अभी 2 मिनट पहले, मैं 2 मिनट कपड़े नहीं लाते तो सारे ही भीग जाते हैं। और ये पैंट बाबू की मुझे कल तक सुखानी है, क्योंकि तो कल उसको पहननी है वाली पैंट। खिड़की से बंद कर देती तो बाहर की जो हवा वगैरह आएगी ना, सूख जाएंगे कपड़े, ऐसे कर देती हूँ। समस्या है यार, जिसमें कि मशीन के सूखे हुए कपड़े हैं। अगर मशीन के सूखे हुए नहीं होते ना, तभी तो इसमें पानी निकल रहा था। बस इसको मैंने इधर डाल दिया है, बाकी साड़ी उधर डालती हूँ, जगह है घर में इतनी, ऐसा तो नहीं है सारे कपड़े मेरे आ जाएंगे। बस थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और ये दुकान की चेयर का टॉवल है, ये भी 3-4 दिन से बोल रहे थे सुखाने के लिए, धोने के लिए, मैं डाल धो नहीं रही थी, और आज जैसे ही धोया वैसे ही बारिश, लेकिन बारिश वैसे बंद हो जाएगी। वैसे तेज वैसी वाली बारिश नहीं कि हाँ दिन भर आएगी, अगर धूप निकल जाती है बारिश होने के बाद तो हम फिर से छत पे कपड़े डाल देंगे। बस बने रहिए आप लोग ब्लॉग पे, मैं डाल देती हूँ साड़ी वगैरह। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।